सबसे बड़े राज्य का सबसे बड़ा बजट। सूबे के बही खाते से रोजगार पर फोकस। युवाओं को आस, खत्म होगा नौकरी का वनवास। बजट के बाण से बेरोजगारी पर योगी प्रहार। वही खाते के केंद्र में होंगे युवा, विकास और व्यापार। युवाओं को उम्मीद, बजट साबित होगा भविष्य की नींव। सरकार छात्रों के लिए लागू कर सकती है इंटर्नशिप स्कीम। चौथे बजट में युवाओं की चांदी। जी हां, सुनिए सरकार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए R9 टीवी की खास पेशकश जो कि यूपी के बजट पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और रफ्तार, जिसको और ज्यादा रफ्तार देने के लिए योगी सरकार अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है। सूबा सबसे बड़ा है, राज्य की आबादी भी हर सूबे के मुकाबले यहां सबसे ज्यादा है, लिहाजा जनता को सरकार से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। सरकार का यह चौथा बजट है। साल 2017 में पहले बजट में सरकार का पूरा फोकस किसानों पर रहा। 2018 और 19 के बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं पर फोकस किया, और इस बार चौथा बजट है तो सरकार का पूरा ध्यान युवाओं की तरफ होना चाहिए या होगा, क्योंकि बीते दो साल में सूबे में बड़ी तादाद में बेरोजगारों की संख्या में बड़ा इजाफा सामने आया है। प्रदेश के युवा नाराज हैं, लिहाजा नाराजगी खत्म करने के लिए सरकार इस बार का युवा बजट पेश करने की तैयारी में है। तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ युवाओं के लिए करेगी बेरोजगारी, उसको दूर करने में अभी भी योगी जी असफल हैं। हम लोग जो ग्रेजुएशन पार्ट कर चुके हैं, हमें वैकेंसी निकले। बजट यानी उम्मीदों का बजट, संभावनाओं का बजट, सोच का बजट और विकास का बजट। महिला, बेरोजगार नौजवानों और किसानों के आने वाले कल की बेहतरी का बजट। लिहाजा सबसे बड़े सूबे की सूरत सुधारने के लिए एक बार फिर विधानसभा के पटल पर बजट का पिटारा खोला जाएगा। 22 करोड़ आवाम अब बस उस पल के इंतजार में है जब सूबे के सरदार बजट का सूटकेस खोलेंगे। योगी जी से एक ही दरखास्त होगी हम लोगों की कि वो इस बजट में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार लाएं। माना जा रहा है कि इस बार का बजट 5 लाख करोड़ की रकम को पार कर सकता है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट 5 लाख 12 हजार करोड़ के आसपास का होगा। क्या किस तरीके से उम्मीद करेंगे सरकार से, क्या चाहेंगे आप बजट में? कुछ इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स हो, यहाँ पे डेवलपमेंट से घर में ही रोजगार मिले, ऐसा कुछ सिस्टम हो। कहा जा रहा है कि भारी भरकम बजट में इस बार सरकार का पूरा फोकस युवाओं पर रहेगा। बजट में सरकार नौकरी और स्वरोजगार से संबंधित कई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। साथ ही 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए इंटर्नशिप स्कीम शुरू होगी। इस स्कीम के तहत छात्रों को 6 महीने से साल भर तक 2500 रुपए हर महीने नकद और इसके बाद प्लेसमेंट दिलाने की योजना भी होगी। सबका साथ सबका विकास वाले इस बजट में और क्या क्या होगा इस पर नजर डाले तो
बजट 2020 में मुख्यमंत्री योगी का सारा जोर चालू योजनाओं पर होगा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ओर से की गई घोषणाओं के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने पर बजट में ध्यान दिया जाएगा। बजट में धार्मिक पर्यटन पर भी खासा फोकस रहेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए 50-50 लाख रुपए खर्च करने की योजना है। अलीगढ़, आजमगढ़ और सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालयों का ऐलान संभव है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय और नोएडा में पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का ऐलान हो सकता है। नोएडा में राष्ट्रीय कौशल विकास विश्वविद्यालय की घोषणा भी बजट में हो सकती है। 10 और नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए बजट की व्यवस्था तय मानी जा रही है। इसके अलावा कई जिलों को रोड से लेकर मेट्रो तक की सौगात सरकार जनता को दे सकती है। बुंदेलखंड और किसानों पर भी सरकार खासा ध्यान बजट में रख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो एक बजट पेश करने से पहले R9 टीवी ने आपको बजट का एक खाका आपके सामने रखा है। पिछली बार का बजट 4,79,000 करोड़ रुपयों का था, तो इस बार माना यह जा रहा है कि बजट 5,00,000 करोड़ रुपयों से पार जा सकता है, जिसमें युवाओं का खासा ध्यान रखे जाने की उम्मीद है। आने वाले बजट पर प्रदेश के युवा क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाताओं ने, R9 की टीम ने अलग अलग जिलों का रुख किया। क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के युवा, किस तरह की उम्मीदें हैं, देखिए। बीजेपी सरकार में नौकरी निकली नहीं है अभी तक, और सारे रिजेक्ट हो रही हैं। नए युवाओं के लिए नौकरी निकलनी चाहिए। जितने भी यूपी में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको सबको रोजगार मिले और आगे के लिए अच्छा हो। बजट में शिक्षा को विशेष ध्यान से रखा जाए, शिक्षा को और जो शिक्षा की मूलभूत सुविधा है उनको ध्यान में रखकर बजट को लाना चाहिए। और जो आजकल बढ़ोतरी आउटेस्ट की नगर निगम में मामला है, नगर विकास के विभागों में जो पानी की समस्या है, आउटेस्ट की समस्या है, उनको ध्यान में रखकर बजट में उन सब चीज़ों को सोचना चाहिए। युवाओं के लिए नौकरी और नई नई योजनाएँ ऐसे आनी चाहिए जो कि बेरोजगारी ना हो। अच्छी शिक्षा हो हमारे देश में और अच्छा वातावरण हो हमारे देश में, और सड़कें जो खराब हैं सड़कें बने नहीं नहीं और अच्छी सुविधाएं। महिला की सिक्योरिटी सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए, और गरीबों के लिए फार्मर्स के लिए भी बजट आना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स देख रहे काफ़ी सुसाइड कर रहे हैं यूपी में, कंपेयर करते और देशों के हिसाब से, तो फार्मर्स की जो उम्मीदें हैं वो कायम नहीं हो पा रही है। कुछ इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स हो, यहाँ पे डेवलप हों जिससे घर में ही रोजगार मिले, ऐसा कुछ सिस्टम हो। गुजारिश करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वो फैक्ट्रियाँ चालू करवाएं जिससे जो हमारा यूथ है वो यहीं पर ही जॉब करे। हम लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली नोएडा में जॉब करते हैं, तो वहाँ दिक्कत होती है, हमें डेली अप डाउन या वैसे रहना पड़ता है। तो मैं बस योगी सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें लोगों को। जैसा कि आजकल जो स्टूडेंट है क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई होने के बाद उनके लिए नौकरी अवेलेबल नहीं है, कोचिंग सेंटर उल्टे सीधे खोलते हैं जिससे गलत शिक्षा मिलती है, उनको पहले ये देखना चाहिए। इस टाइम गवर्नमेंट चाहेगी कि क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटे, व्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था को ऊपर पहुँचाए। तो वही है, एक तो क्या कहते हैं जो किसान है उन्हें ना गन्ने का मूल्य टाइम से मिल रहा है, और फैक्ट्रियाँ हैं वो लोन नहीं मतलब वो नहीं दे रही हैं, तो जितना भी है इस टाइम तो कुछ है ही नहीं। अब सरकार से उम्मीद है कि मतलब जॉब्स दे। मैं चाहती हूँ उनके लिए कुछ किया जाए जिनके पास घर भी नहीं है, छप्पड़ डाल के रह रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो बजट आ रहा है उससे शिक्षा के लिए सबसे पहले ध्यान दिया जाए, और जो स्कॉलरशिप हम लोग की नहीं आती हैगी तो वो भी आना चाहिए। पिछले साल जैसे और लोगों की नहीं आई थी उनकी भी आना चाहिए, और जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे होंगे उनकी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बजट योगी सरकार हमें देगी, और उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश के छात्रों की भलाई के लिए काम होगा। यूपी गवर्नमेंट से भी श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी चाहेंगे कि युवा के लिए पुरजोर तरीके से काम करें, जैसे कि एजुकेशन हेल्थ में है, एजुकेशन के लेवल पर, हेल्थ के लेवल पर, सारी चीज़ें जैसे वजीफे पे तौर पर, और बच्चों के अच्छी से अच्छी कॉलेजों में पढ़ाई हो सके, और उनका पढ़ाई के बाद सबसे बड़ी नौकरी मिल सके। इस फील्ड में बजट अगर आया तो बहुत मेरे हिसाब से एक उम्मीद अटक लगा रखे हम लोग। आप शिक्षा का क्षेत्र देखिए, हायर एजुकेशन महंगी की जा रही है, यूनिवर्सिटियाँ की जो सीटें थी उनको घटाकर 60% करके वो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। एक उम्मीद थी
कि जब छात्र नौजवान पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, लेकिन आप एक तरफ देखिए एक बड़ा बजट वो आरती के लिए और पूजा पाठ के लिए दे रहे हैं, जबकि धार्मिक वो हमारा धार्मिक मामला है, हम अपने पैसे से अपने दान पात्र पूजा पाठ कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, लेकिन सरकार वो पैसा जो है दे रही है और छात्रों के लिए नौजवानों के लिए लगातार कटौती कर रही है। योगी सरकार ने अभी हाल ही में एक बात बोली थी कि वो ऐसा कर सकते हैं कि वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उनके लिए इंटर्नशिप की स्कीम लाएगी और उनको 2500 रुपये महीना और उसके बाद प्लेसमेंट भी मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है आने वाले टाइम के लिए। युवाओं के लिए मेन चीज़ आज नीडेड है जॉब की, और जॉब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है इनके लिए। कुछ नई आईटीज आनी चाहिए, नई नई कंपनियां आनी चाहिए जिससे जो बीटेक हैं या उससे निकलते हैं बच्चे, जैसे मैं एक टीचर हूं तो मैं अगले बताऊं आपका, तो हमारे यहां बच्चे पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ने के बाद जब वो मार्केट में जाते हैं तो जॉब की प्रॉब्लम, तो वो जॉब्स बहुत जरूरी। एक युवा होने के नाते हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि उसमें जो भी अपना ये वैकेंसी वगैरह निकालते हैं उनका एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, पता चलता है वैकेंसी निकली और कोई उसमें कमी या गड़बड़ हुई उसको लेके हम कोर्ट चले जाते हैं या वो लटकी रहती है। दूसरा शिक्षा के लिए होना चाहिए, जो भी बजट है शिक्षा में अपना अच्छे से अच्छा दे सकें। सर मैं सोचती हूँ कि जो अब बेसिकली जो अपलिफ्टमेंट है सोसाइटी का उस पर वर्क होना चाहिए, और हम लोग का जो नए नए यूथ आ रहा है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं डे बाई डे, तो उसके लिए थोड़ा सा आगे काम करना चाहिए उनको जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें और लोग डिमोटिवेट ना हों। अगर ये युवाओं को टारगेट करके इस बजट को लेकर आते हैं तो मैं समझूंगा कि सरकार थोड़ा सा अच्छा करेगी, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रही है। बजट में सस्ता होना चाहिए, खाने पीने का सामान सस्ता होना चाहिए जिससे गरीब आदमी को थोड़ी राहत मिले। रसोई गैस है वो भी सस्ती होनी चाहिए, और भी खाने पीने के सामान है, आटा है तो 27 रुपए किलो हो रहा है, चीनी है तो महंगी हो रही है। बस मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आए। किताब कॉपियाँ बहुत ज्यादा महंगी हो गई है जिससे कि मतलब वो हमें वो नहीं हो पा रही है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, थोड़ा वो बच्चों की पढ़ाई की फीस के तो इतने हो रहे हैं, फीस तो इतनी हो गई है कि कुछ पूछो ही मत, आजकल फीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। युवाएं उनके लिए अच्छी अच्छी जॉब्स निकलें और जो शिक्षा है वो थोड़ी सस्ती हो जिससे बच्चे आगे और बढ़ सकें और उनके लिए अच्छे अच्छे प्लेसमेंट हों। हमारे यहाँ सामान्य जो जनता है सामान्य वर्ग ज़्यादा है, तो सामान्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट बनाना चाहिए कि उस सामान्य वर्ग की क्या सामान्य जरूरतें उनको पूरा किया जाने हो सके, ऐसा बजट उनको प्रस्तुत करना चाहिए। तो माना यह जा रहा है कि यह बजट युवाओं पर फोकस होगा, और ये उम्मीदें जो हमने आपको युवाओं की दिखाई कुछ इस तरीके से योगी सरकार से लगा करके बैठे हैं, तो उम्मीदों को पंख लगाने वाले इस बजट पर मेरठ के युवा क्या राय रखते हैं, देखिए सुनिए। यूपी गवर्नमेंट का बजट आने वाला है, लेकिन इस बजट से उन युवाओं को क्या उम्मीदें हैं जो रोजगार चाहते हैं, रोजगार को लेकर क्या कुछ कहते हैं, मेरे साथ तमाम युवा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा, रोजगार को लेकर क्या उम्मीद है यूपी गवर्नमेंट का बजट आने वाला है? नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए। क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान रखें हमारा भी। पहली बात तो हम अभी तो नौकरी पे है नहीं, अभी तो हमारे माँ बाप ही हमें खुआ रहे हैं। हाँ। तो हमारे माँ बाप भी किसान हैं, इतने बड़े तो जॉब है नहीं उनकी, पहले तो किसानों का ध्यान रखा जावे तब जाके हम थोड़े और अपने आप को ऊपर सोचेंगे, फिर बाद में आके हमारी नौकरी लग जाए तो जब सोची जाएगी। ठीक है, नौकरी क्या चाहते हैं? यूपी गवर्नमेंट का बजट आने वाला है, आप युवा हैं और छात्र भी हैं, रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं? युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलने चाहिए, यही रहे क्वेश्चन तो, लेकिन वही है युवाओं को भी अपने मतलब एबिलिटी लानी चाहिए अपने अंदर। सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो वैकेंसी हमारी चल रही है, भर्ती चल रही है, उसे या तो पूरा किया जाए और जो वैकेंसी पद खाली पड़े हैं उन्हें दोबारा से रिक्रूटमेंट निकाली जाए। रोजगार होनी चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे अभी मतलब रोजगार ही हैं, बेरोजगार ही हैं, मतलब सब कॉम्पिटिशन की तैयारी में घुसे पड़े हैं, किसी को कुछ हो नहीं रहा, सब प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं, फिर जैसे कॉल सेंटर वगैरह ये इतनी बस ये तक सीमित है। आप सब कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की, तो हम चाहते हैं जैसे यू पुलिस की भर्ती बहुत दिन से नहीं आई है तो यू पुलिस की भर्ती आए, इसलिए यूपी सरकार और भर्ती निकाले। तो ये तो उम्मीदें थी जनता के खास वर्ग युवाओं की, मगर अगर इन युवाओं से हटकर के सभी लोगों की बात करें, आम आदमी की बात करें, तो आम आदमियों को भी काफी उम्मीद है, काफी आस है।
महिलाएं, किसान आने वाले भविष्य की बेहतरी के लिए इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और प्रदेश के लोग क्या कहते हैं बजट 2020 पर, देखिए। बेरोजगार युवा अधिक संख्या में, उनके लिए कुछ उसमें होना चाहिए। और जो हमारे किसान भाई हैं जो अधिक संख्या में हमारे हमारे देश प्रदेश में हैं, उनके लिए कुछ ऐसा हो कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनसे मुक्ति मिले, उनको वो परेशान हैं। बीज सस्ता हो, दवा सस्ती हो, खाद उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराई जाए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि राज्य सरकार को सोचना समझना और करना चाहिए। रोजगार की व्यवस्था अच्छी हो और वैकेंसियाँ काफ़ी रुकी हुई हैं, वो वैकेंसी जो निलंबित हैं या रुकी हुई हैं उनको जो है फिलअप करने की कोशिश की जाए, जिससे रोजगार बढ़े और हम लोगों की आशा पर सरकार खरी उतर सके। व्यापारियों क्या उम्मीद होगी जी, पहले बजट में कुछ नहीं करा इन्होंने, अभी के बजट में क्या करेंगे? महंगाई इतनी कर दी, जिस चीज़ पे कोई टैक्स नहीं उस पर टैक्स लगा दिए दुनिया भर के, बाजार में काम धंधे कुछ है नहीं, महंगाई दुनिया भर की इन लोगों ने करी रखी। सरकार से यही उम्मीद है कि किसान को उसका क्या नाम है उचित रेट मिले और उनके लिए कुछ अच्छा हो, और क्या नाम है आम आदमी तक जो सुविधा सरकार दे रही है वो पहुँचती नहीं है। मैं आशा करता हूँ जो उत्तर प्रदेश सरकार बजट पास करने जा रही है वो व्यापारी के हित में हो, किसानों के हित में हो, जिससे जाके आगे रोजगार मिले। और मैं चाहता हूँ कि जो बजट है ये शिक्षा के स्तर से भी अच्छा होना चाहिए। व्यापारियों के लिए ये उम्मीद रहनी चाहिए व्यापार बढ़ना चाहिए और तरक्की होनी चाहिए व्यापार के अंदर, जैसे बाहर की सरकार काम कर रही है पब्लिक के ऊपर, एजुकेशन में और आपका डेवलपमेंट में, रोजगार में, यहाँ की सरकार इन चीज़ पर कम ध्यान दे रही है। मैं यही एक्सेप्ट करती हूँ हमारी गवर्नमेंट से कि हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ सेवाएं दी जाएं हमारी लड़कियों को, क्योंकि महंगाई के कारण हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, काफ़ी मतलब महंगाई बढ़ रही है तो हमारे बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मतलब कोचिंग्स को, फीस को। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ हमारी गवर्नमेंट से कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ दिया जाए, एजुकेशन फ्री, कोचिंग्स फ्री, हर चीज़ सामान गृहस्थी का कुछ सस्ता होना चाहिए जिससे हमारा परिवार चल सके आगे। खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। हाँ, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, हर चीज़ तेल है, हर चीज़ें कैसे, मजदूरी करने वाले कैसे चलाएगा गुजारा। बजट अगर आना है व्यापारियों के हित की बात होना चाहिए और व्यापारी के ऊपर किसी तरीके का लोड ना पड़े, क्योंकि हर वक्त जो व्यापारी है बजट में कहीं टैक्स बढ़ा दिया जाता है, कहीं कुछ बढ़ा दिया जाता है, इससे व्यापारी को बड़ी निराशा है और टेंशन बढ़ती है। लोगों के किचन का बजट अपने बैलेंस रहे और सुकून से सारी चीज़ें चल सकें। बिजली की बात करें वो इतनी महंगी कर दी यूपी, हम पूरे देश में सबसे महंगी बिजली झेलते हैं। नल की हालत ये आते नहीं है लेकिन बिल भरना है हर महीने, मतलब गैस सिलेंडर जो घर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है उस पर सरकार 150 रुपये बढ़ा दे रही, तो ये सारी चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। रोजगार नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, महंगी फीस आ रही है, ये सब होना चाहिए, कम होना चाहिए बजट। स्वास्थ्य सेवा में क्या लगता है? स्वास्थ्य सेवा इस समय थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, उसको अच्छे से और सुधार करना चाहिए उसको। मध्यम वर्गीय व्यापारी बहुत प्रभावित हो रहा है, जिसमें रेडीमेड व्यापार, केमिस्ट व्यापार, हौजरी व्यापार, ये इस तरीके से कई व्यापार ट्रेड जो है गड़बड़ हो रहे हैं, इससे बहुत त्रस्त है व्यापारी। और इस बजट के आधार पर अगर लॉलीपॉप अगर ये सरकार ने दिया तो निश्चित अगले चुनावों में, लोकसभा के चुनाव हों चाहे प्रदेश के चुनाव हों, दिल्ली की तरह ही वातावरण पैदा हो जाएगा। दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री जो हो रही है उसको बंद किया जाए, ऑनलाइन बिक्री से जैसे हमारे मेडिकल भाइयों को परेशानी आ रही है उससे थोड़ी सी परेशानी उनकी दूर हो जाएगी। टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, 12% टैक्स है जो खाने पीने की आइटम है और उस पर इतना बड़ा टैक्स, ज़्यादा टैक्स लगा रखा है, टैक्स कम होना चाहिए जिससे कि उसका फलका सही प्रकार से रोशन हो सके। इस टाइम मार्केट बड़ा मंदी से जूझ रहा है, इस समय जो है आपके ऑनलाइन जो मार्केट में प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं इस कारण बहुत मंदी से चल रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए सरकार को, तब तो मार्केट में तेज़ी आ सकती है, अन्यथा मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ही परेशानियों में जूझ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। क्या उम्मीद है इस बार के बजट से? कुछ भी उम्मीद ना आई, बीज महंगा है, वही गाय की परेशानी, 60 रुपये घंटे पानी,
गायों से परेशान, दिन रात उन्हें रखाओ। अच्छा, फिर उन्हें भगा गाओ, फिर घूमते रहो, रोड पे बाजार निकल के तो समझ लो एक्सीडेंट कर। डीजल को पेट्रोल को सस्ता कराया जाए कि सैलरी 10,000 रुपये मिल रही है, उसमें बच्चे को पढ़ाएगा, अपना खर्चा चलाएगा, क्या चलाएगा बताइए सर। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, यहाँ कुछ नहीं है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कम से कम फ्री नहीं कर सकते, कम से कम सस्ता तो करा जाए। और एजुकेशन के लिए ले लीजिए, यहाँ प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं और सर्विस बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर। देख लीजिए, टीचर भी अपने टाइम से इधर उधर आते हैं। मैं भी रखता हूँ कि जो नौजवान बेरोजगार पड़े हैं उनकी शिक्षा के या बेरोजगारी ख़त्म हो, उनको कुछ रोजगार मिले। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग वर्ग, अलग अलग इलाकों, अलग अलग जिलों के लोगों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के आपने ये आकांक्षाओं और उम्मीदों से भरी एक निगाह जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ इस वक्त है, हमने आपको दिखाया। मगर खुद योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के लोग मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ से किस किस्म की उम्मीद लगाए बैठे हैं, देखिए। जानते उन्हीं युवाओं से कि क्या उम्मीद लगा करके रखे हैं, ये सरकार किस तरह की बजट इनके लिए ला सकती है या क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद पाल करके रखे हैं बजट पे? उम्मीद यही है कि कुछ युवाओं के लिए करें, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा समस्या जो बीजेपी सरकार है ये कहीं ना कहीं रोजगार से संबंधित है। तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ युवाओं के लिए वो करेगी। इस बजट में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार लाएं, शिक्षा पर सबसे अधिक बजट खर्च करें, लोग बीएड, बीटीसी, टेट कर करके और टीजीटी, पीजीटी सभी वैकेंसियों को, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं कि इस बार जो कर रहे हैं या करेंगे वह युवाओं के लिए कुछ रोजगार की एकदम बहुत ही आवश्यकता है, सभी युवाओं के लिए और सभी की अपेक्षा है। जिन युवाओं से बात की गई उनका सोच है कि हमारी उम्मीद है कि 3 साल की सरकार योगी आदित्यनाथ की बीत गई है, लेकिन इस सत्र में जो बजट पेश करने जा रहे हैं इस पर हम युवाओं के बारे में भी कुछ सोचेंगे। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ताज की वजह से आगरा पूरी दुनिया में अपनी शिनाख्त रखता है, मगर आगरा के लोग, आगरा जिले में किस किस्म की उम्मीदें और हलचल है और चर्चाएं वहां पर कैसी हैं, समझने के लिए R9 TV के संवाददाता वहां भी पहुंचे। सरकार 18 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को इस बार इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पूर्व में जितने भी बजट पेश हुए हैं किसान, हर बार किसान को निराशा ही हाथ लगती है, लेकिन इस बार 18 फरवरी को योगी सरकार जो बजट पेश कर रही है उसमें किसान काफी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि 18 फरवरी को जो बजट पेश हो रहा है वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, योगी सरकार से क्या मांगते हैं, अब क्या बजट में क्या करें आप? जी, लाभ मिले किसानों को, किसान संबंधी और क्या है जी, और का सब सब चीजें सुविधा मिले किसानों की, जितनी संबंधित चीजें हैं उसमें लाभ मिले। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब के बजट में सबसे पहले तो किसान यहाँ परेशान है, गाय बाजारों से गौशाला बननी चाहिए क्षेत्र में जी, और जे खाद पर पैसा इतना बढ़ गया है कि इसकी खाद की रेट कम होनी चाहिए। योगी बाबा से उम्मीद है कि ये सारी व्यवस्थाएं, जैसे गाय ज़्यादा हैं इनकी व्यवस्था गौशाला बननी चाहिए, और बिजली फिजली में सुधार होना चाहिए, और जी लगता है आपको इस बार योगी बाबा आपकी सुनवाई करेंगे? योगी बाबा तो सुनवाई कर सकते हैं, पर जो बीच में जो बैठे हैं दलाल बैठे हैं ये नहीं होने दे रहे हैं पूरा काम। कहीं भी चले जाओ, चाहे बैंक में चले जाओ, चाहे तहसील में चले जाओ, चाहे थाने में चले जाओ, सब चोर बैठे हुए। योगी बाबा सब व्यवस्था सही कर लो, उम्मीद है आपको। बिल्कुल, ये दर्द था उस अन्नदाता का जो खेती करता है, और 18 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश कर रही है और काफी उम्मीदें लगा के बैठी है कि इस बार योगी सरकार अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की तरफ जरूर ध्यान देंगे। इस वक्त पहुंच चुके हैं एक चाय की दुकान पर, जहां लोग चाय की चुस्कियों के साथ बजट की चर्चा कर रहे हैं, और उनसे पूछेंगे कि इस बार बजट में क्या खास हो कि उन्हें खुशी मिले। और ये लोग देख सकते हैं चाय की दुकान पर बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, बजट को लेकर इनसे बात करेंगे। आप बताइए, योगी सरकार बजट पेश कर रही है, ऐसा क्या पेश होना चाहिए कि आपको खुशी मिले? उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे निश्चित ही उम्मीद है कि वो अपने बजट को अच्छी तरह ही पास करेगी, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी शिक्षा चिकित्सा पे ज़्यादा काम करेगी। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार का बजट अच्छा ही आएगा। भैया जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए भैया जी, इस बार योगी सरकार 18 फरवरी को बजट पेश कर रही है, ऐसा क्या बेहतर होना चाहिए कि आपको खुशी मिले? ऐसा एक तो थोड़ा सा किसानों के बारे में सोचना चाहिए, और ये जो उद्योग धंधे आजकल चौपड़ पड़े इनके बारे में सोचना चाहिए, जिससे बेरोजगारी बढ़ी हुई है
आम जनता परेशान है। आज ही रसोई सिलेंडर कितना महंगा हो गया, बजट आने से पहले ही, तो उसके इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। मैं इस वक्त लोगों से बात करने के लिए एक रेडीमेड शॉप पर मौजूद हूँ और लोगों से जानूंगा कि इस बार योगी सरकार क्या खास करे, लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, खुशी मिले। हमारे साथ दीदी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार बजट पेश कर रहा है, बजट पेश कर रही है, तो उसमें क्या ऐसा अच्छा होना चाहिए जो आपको राहत मिलेगी? उम्मीद कर सकते हैं कि शायद योगी जी ये सब करें और एजुकेशन पे थोड़ा और जोर दें। बिल्कुल, योगी सरकार से लोगों को काफी उम्मीद है इस बार बजट को लेकर। और भी लोग रेडीमेड शॉप के अंदर लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानने चाहेंगे, बेरोजगार लोग हैं, उन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा को लेकर किसानों से बात हुई है, आप बताइए इस बजट आ रहा है योगी सरकार का, भैया आप क्या चाहते हैं इस बार? हम ये चाहते हैं कि गरीबों को राहत मिले जी, और बढ़िया तरह गरीबों का सारा काम सही चले जी। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम हो और प्लस ये है कि थोड़ा देश के ऊपर भी ध्यान दें जी। अंकल जी, आप क्या चाहते हैं बजट, योगी बाबा बजट पेश करने वाले हैं, क्या चाहते हैं आप इस बार बजट में? हम तो ये चाहते हैं, हमें तो आज ये दिखाई दिया सिलेंडर की रेट आसमान छू गई है जी। खाने के लिए है नहीं, कपड़ा लेने के लिए आए, सोच रहे हैं कि जो ले लें कि ना ले लें, घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं कपड़ों के लिए, शादी का माहौल चल रहा है, हम तो जो है बहुत परेशान है भाई। बेरोजगारी तो इतनी हालत ख़राब हो गई है कि हम कुछ कह नहीं रहे हैं कि खाने के लाले पड़े हैं, स्थिति जो इतनी ख़राब हो गई है। अंकल जी, आप बताइए आप क्या क्या चाहते हैं बजट से? भैया बजट से यही चाहते हैं कि एक तो जो काम धंधे निल पड़े हैं वो थोड़े से आगे बढ़ें, दूसरी चीज़ ये जो महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है जी, वो थोड़ा डाउन हो। उम्मीद है इस बार की आपको जरूर खुशी मिलेगी? हाँ उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है योगी सर से, जो भी है वो बजट को इस तरीके से लाएं कि मध्यम वर्ग और गरीब जो नीचे आ गया है उसे लेवल पे ले आए जी। बिल्कुल, R9 TV ने आज किसान, आम जनता, बेरोजगार लोगों से, छात्र हैं उनसे बात की, तमाम लोगों से बात की, सबका यही कहना है कि शिक्षा को बेहतर किया जाए, योगी सरकार इस पर ध्यान दे, किसानों के हित में बजट पेश किया जाए, तब जाके कहीं किसान को राहत मिलेगी, और तमाम उद्योगों पर लोगों को जो परेशानी हो रही है उद्योगों से, उस पर भी योगी जी खास तौर से ध्यान दें, तब कहीं जाकर आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त दिखाई दे रही है। आगरा से शिव चौहान, R9 TV, उत्तर प्रदेश। तो जनता ने उम्मीदें और ख्वाब सजा कर रखा है, जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर रोजगार और विकास चाहिए, और ऐसे में आपकी जो उम्मीद है R9 TV से, सबसे सटीक और सरल अंदाज में बजट के एक एक पहलुओं के साथ आपके सामने फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए इजाजत।